Hey guys, welcome on my YouTube channel. Please subscribe my channel and press the bell icon for daily update. Hello students, our next topic is implantation. इससे पहले हमने fertilization के बारे में भी read किया था, ठीक है, कि जो भी male gamete और female gamete के जो भी fusion की process होती है वो क्या होती है, fertilization. Fertilization के बाद जो भी sexual reproduction के events में next आता implantation, यानी कि जो भी zygote बना, जो भी developing embryo हुआ, जैसे वो uterine wall के साथ में attachment हो जाती है, कौन सी process होती है वो implantation. देखो, this one is the ovum, यहाँ पर fertilization हो रहा है. Fertilization leads to the formation of diploid zygote. जो भी zygote था इसमें क्या हो जाएगा, division हो जाएगा, 2 से 4 और सेल बन जाएगी. अगेन उन सेल्स में डिवीजन हो जाएगा, ये 8 सेल बन जाएंगी. इसको हम क्या बोलते हैं, मोरूला. उसके बाद जो भी मोरूला के जो भी ब्लास्टोमियर्स, इनको हम ब्लास्टोमियर्स बोल सकते हैं. ये जो भी सेल होंगी वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, ब्लास्टोसिस्ट में. ब्लास्टोसिस्ट में अगेन 2 टाइप की यहाँ पर सेल डिफ्रेंशिएटेड हो जाएंगी, आउटर ट्रोफोब्लास्ट, ये वाली ट्रोफोब्लास्ट, और इनर. यहाँ पर जो भी इनर सेल मास बन जाएगा, जो भी ट्रोफोब्लास्ट होगा ये यूटेराइन वाल के साथ में अटैचमेंट हो जाएगी, और जो भी इनर सेल होंगी ये डिवाइड करके क्या बना लेंगी, एम्ब्रियो. तो एक बार ये फिगर के साथ में है, अब रीड करते हैं. द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स एट द जाइगोट मूव थ्रू द इस्थमस ऑफ द ओविडक्ट कल्ट क्लीवेज टुवर्ड्स द यूटरस. देखो, ये वाला पार्ट फेलोपियन ट्यूब का या ओविडक्ट का इन्फंडिबुलम. दिस वन इज द एम्प्लोयर रीजन वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस. और जैसे यहाँ पर जाइगोट बन जाएगा, वेन जाइगोट मूव थ्रू द इस्थमस रीजन टू द यूटरस, वो कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, क्लीवेज एंड फॉर्म्स. और क्या फॉर्म होगा वहाँ पर, 2, 4, 8 या 16, 2, 4, 8 या फिर 16 डॉटर सेल बनेंगी, और इनको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर. द एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड मोरूला. जैसे उसमें डिवीजन हो रहा था, तो जैसे कोई भी जो एम्ब्रियो होता है उसमें 8 to 16 सेल्ड ब्लास्टोमियर होते हैं, तब हम क्या बोलते हैं, मोरूला. द मोरूला कंटिन्यूस टू डिवाइड. जो भी मोरूला की सेल होंगी उसमें कंटिन्यूस डिवीजन होता रहेगा, और वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट में. एज इट मूव्स फर्दर इन टू द यूटेरस, जैसे वो यूटेरस के अंदर जाएगा वो ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. द ब्लास्टोमियर इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इन टू एन आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोफो ब्लास्ट. अभी अभी मैंने फिगर में बताया था कि जो भी यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, इसके जो भी ब्लास्टोमियर सेल होंगे 2 में डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी, आउटर यहाँ पर ट्रोफोब्लास्ट और इनर यहाँ पर इनर सेल का मास बन जाएगा. सो वही यहीं पर बता रखा है, एक बार फिर से देख लीजिए. द ब्लास्टोमियर इन द ब्लास्टोसिस्ट, जो भी ब्लास्टोसिस्ट में जो भी ब्लास्टोमियर होंगे वो अरेंज्ड हो जाएंगे, आउटर लेयर को बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, इनर ग्रुप ऑफ सेल अटैच टू द ट्रोफोब्लास्ट. और जो भी ट्रोफोब्लास्ट के बीच में, जो भी इनर साइड में जो भी ग्रुप ऑफ सेल अटैच होगा उसको हम क्या बोलते हैं, इनर सेल. द ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट अटैच टू द एंडोमेट्रियम. जो भी यूटेराइन वाल के जो भी एंडोमेट्रियम है उसके साथ में ट्रोफोब्लास्ट लेयर क्या हो जाएगी, अटैच्ड हो जाएगी, और जो भी इनर सेल मास होंगे वो डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे एम्ब्रियो में. जैसे इसके अटैचमेंट हो जाएगी, जो भी यूटेराइन की जो भी सेल होंगी वो फास्टली डिवाइड करेंगे और पूरे के पूरे ब्लास्टोसिस्ट को क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे. एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जो भी ब्लास्टोसिस्ट होगा वो यूटेरस के एंडोमेट्रियम में एम्बेडेड हो जाएगा, और वो कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, इम्प्लांटेशन एंड लीड्स टू प्रेगनेंसी. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.